भीमसेन एक दिन कुंती महारानी को पूछते हैं कि मुझे कुछ भोजन दीजिए। कुंती महारानी कहा, आज एकादशी है, पूरा अनशन करना पड़ेगा। भीमसेन ने कहा, मेरे शरीर में बड़ी गर्मी हो रही है, चलो यहाँ चलती हुई नदी पर लेट जाता हूँ, जल की शीतलता से कुछ मेरे देह को शीतलता प्राप्त होगी। ऐसा कह के नदी में लेट गए। नदी का पानी कम था और भीमसेन का विशालकाय शरीर ने नदी के चलते हुए प्रवाह को रोक दिया और फिर वो जल तट के दोनों ओर ऊपर उठने लगा। शिवजी का एक मंदिर था, शिवजी का विग्रह उसमें डूबने लगा। शिवजी ने पार्वती जी को कहा कि देखिए, मैं शेर का रूप धारण करता हूँ, आप गाय का रूप धारण कीजिए, हमें ये न कहना प्रकार है न भीमसेन को जगाना है। जब मैं आपके ऊपर आक्रमण करते हुए जब उछलूंगा, तब आप उच्च स्वर में चिल्लाना और आपकी ध्वनि को सुनकर भीमसेन हो सकता है उड़ जाएं। उन्होंने अपने बताए हुए तरकीब के अनुसार जैसे ही ये कार्य किया, जैसे ही पार्वती माता ने एक गाय का रूप धारण करके शेर के आक्रमण से भयभीत होकर चिल्लाया, भीमसेन उठे और शेर के ऊपर आक्रमण करने ही वाले थे, तभी शिवजी ने अपना स्वरूप धारण किया और भीमसेन को आलिंगन करके कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बताइए कोई वर मांगिए। भीमसेन ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि जितना हो सके मैं भोजन कर सकूँ और पचा सकूँ, चाहे कहीं पर भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय। शिवजी मुस्कुराए, बोले अवश्य मैं आपके इस वरदान को पूर्ण करूँगा, और कोई वरदान हो तो बताइए। और भीमसेन कहते हैं, हाँ साथ साथ ये कि जो भी मैं भोजन करूँगा उसका जो कोई भी परिणाम या फल वो शकुनी को प्राप्त हो। इस तरह शिवजी की कृपा से भीमसेन के अंदर प्रचुर मात्रा में भोजन करने की, पचाने की और हर परिस्थिति में भोजन को स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त हो गई। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव मुझ पर निर्भर है। जो साग सब्जी खाते हो, चंद्रमा की किरणों के माध्यम से उनके अंदर रस उत्पन्न मैं करता हूँ। भोजन पकाने के लिए जब अग्नि प्रज्वलित करते हो, वो अग्नि भी मैं हूँ। और जब उस भोजन को आप स्वीकार करते हो, तो उस पचाने की क्षमता और शक्ति वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं प्रकट होता हूँ। आइए भगवान के ऊपर निरंतर निर्भर रहें और उनका स्मरण करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं।